किसान भाइयों, चाहे आप खेत में खेती कर रहे हों या फिर आप गार्डनिंग कर रहे हों, आपको यह वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पॉली हाउस या ग्रीन हाउस कैसे बनाते हैं उसका पूरा डिज़ाइन बताया है और बनाकर भी दिखाया है। यह पॉली हाउस आपके बहुत काम आ सकता है, क्योंकि देखिए जब जाड़े के मौसम में कोई भी सब्जी की फसल बोई जाती है तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है उसको अंकुरित होने में। तो इस तरीके का अगर आप डिज़ाइन बना लेंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो आपका जो भी सीडलिंग तैयार करने वाले बीज होते हैं उनमें बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि फसल का रेट तभी अच्छा मिलता है जब वह थोड़ा आगेती तैयार हो जाती है। और इस समय सभी लोग डायरेक्ट खेत में सीड बोते हैं तो वह जल्दी तैयार नहीं होता है, उसका अंकुरण थोड़ा देर में होता है। तो आप चाहे छत पर आपको लगाना हो या फिर खेत में, आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आपकी जो सीडलिंग है वो बहुत जल्दी तैयार होगी और आपकी पूरी फसल लगभग एक सप्ताह पहले तैयार हो जाएगी, तो आप एक दो तुड़ाई एक्स्ट्रा कर सकते हैं। हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। मैं हूं पंकज मौर्य और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचे चैनल में। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पॉली हाउस आप सस्ते में और टिकाऊ पॉली हाउस कैसे बना सकते हैं। हमने यहां पर आयरन की 5 फीट की पत्तियां ली हैं और उनको इस तरीके से देखिए काट कर और मोड़ कर उसके बाद छेद करवा लिए हैं, ताकि इसमें हम नट बोल्ट से कस सकें। और यहाँ पर देखिए, यहाँ छेद करने की मशीन नहीं है तो इस तरीके से छेद किए जा रहे हैं। जो एंगल है, चार कोने वाला एंगल होता है, उसमें हम छेद करवा रहे हैं भाइयों। तो हमने देखिए ये सब बनवा लिया है और ये हमारा सबसे कम बजट में बनके तैयार हुआ है। हमको लगभग 900 रुपये का ये पड़ा है और काफ़ी हैवी मेटल का है, ये लोहे का बना हुआ है तो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। किसान भाइयों, इसमें हमने 4 पत्तियों की लंबाई 5 फीट रखी है और 4 पत्तियों की लंबाई 4 फीट रखी है, जिससे हमारा आयताकार रूप में बहुत ही अच्छा जो पॉली हाउस का स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो जाएगा। और जो पावे हैं वो हमने 2.5 फीट की ऊंचाई के रखे हैं। ये देखिए इस तरीके से पत्तियों को मोड़ा गया है, मोड़कर फिर उसमें होल किए गए हैं, ताकि इसमें जो है एक पेंच से, एक ही नट बोल्ट से हम 2 पत्तियों को कस पाएंगे और साथ में एंगल भी कस जाएगा। तो ये देखिए अभी इसको पेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बनाने के बाद फिर पेंट करने में उतना अच्छा नहीं रहेगा। और ये देखिए आपको लगभग 12 पेंच चाहिए होंगे, नट बोल्ट इस टाइप के चाहिए होंगे 12। और एक पत्ती में हमने 2 कब्जे लगवाए हैं, ये पेंच उसी में हम कस देंगे। ये देखिए इस पत्ती में कब्जे लगे हुए हैं, कब्जे इसलिए लगवा दिए हैं ताकि हम इसमें खिड़की बना सकें, एक विंडो बना लेंगे जहां से अंदर आने जाने में आसानी होगी और इसमें बैठकर अंदर जाया जा सकता है आराम से, क्योंकि 2.5 फीट ऊंचाई है। और ये कब्जे देखिए लगे हुए हैं, यहां पर जो हम बनाएंगे एक गेट बना लेंगे छोटा सा। ये देखिए इस तरीके की पत्ती है और 2 पत्तियाँ, एक सिंपल पत्ती रहेगी इसी साइज़ की और एक में कब्जे लगे हुए रहेंगे। तो इसको देखिए अभी बहुत ज़्यादा इसमें ये जंग लगा हुआ है, तो इसको हम साफ़ करके और उसके बाद इसको पहले प्राइमर से पोतेंगे, उसके बाद पेंट करेंगे, ताकि इसकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा दिन तक बढ़ जाए। तो ये देखिए हमने प्राइमर ले लिया है, अब इससे पुताई करते हैं और पेंट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो। वीडियो में पूरा बने रहिएगा आप दोस्तों। ये देखिए अब हमने पेंट कर लिए हैं सारे, जितने भी हमने बनवाए थे ये देखिए ये सब पेंट हो चुके हैं और ये लोहे के हैं तो बहुत ही मजबूत बनेगा इससे। और इसको हम जब चाहें तो ये बोल्ट रहेंगे नट बोल्ट के साथ ऐसे यूँ कसेंगे, तो जब चाहे हम इनको खोल के रख सकते हैं, हमारा काम होगा तब हम इसको जोड़ लेंगे और जब काम नहीं होगा तो इसको हम खोल के रख सकते हैं आराम से, थोड़े स्पेस में हमारा रख जाएगा ये। और पेंट इसलिए किया कर दिया है ताकि इसमें कभी जंग ना लगे और ये बहुत काफ़ी दिन लंबे तक समय तक चलता रहे। तो चलिए इसको हम असेंबल करके आपको दिखाते हैं। तो इसमें असेंबल करने के लिए देखिए ये जो 4 पिलर हैं ये देखिए काफ़ी भारी हैं और इसमें चारों में होल कर दिया गया है नीचे से, पावर बनेंगे जो पैर बनेंगे इसके, इतनी ऊंचाई रहेगी। ये लगभग 2.5 फीट के हैं तो 2.5 फीट ऊंचाई काफ़ी रहेगी। इसके ऊपर हम 2 तरह का कर सकते हैं, एक तो पॉलीथीन सीट से हम पॉली हाउस बना देंगे और या फिर इसको ग्रीन नेट लगा के ग्रीन हाउस बना सकते हैं। तो ये दोनों पर्पज़ से हमने बनवाया है और दोनों पर्पज़ में काम कर जाएगा। जैसे जो ग्रीन नेट लगा देंगे तो ऊपर से जो रोशनी है वो कम जाएगी तो वो ग्रीन हाउस का काम करेगा, और जब भी हमको हटाना होगा तो हम ऊपर से हटा देंगे तो हमारा पॉली हाउस बन जाएगा। तो चलिए हम इसको असेंबल करके दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमने 4 पावर इसके फिट कर लिए हैं और अब हमको ऊपर की पत्तियाँ लगानी हैं, फिर आपको दिखाते हैं अभी कैसे लगता है। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमको नट से इसको कस लेना है और इस पत्ती को हमने ऊपर की तरफ रखा है ताकि ये सारे सिरे जो हैं वो बराबर रहें। इस तरीके से ये देखिए पूरा टाइट हो गई है। भाइयों इस तरीके से हमको इसके नट बोल्ट टाइट कर लेने हैं और ये पत्ती एक हमने लगा दी है, इसको टाइट कर लेंगे। उसके बाद हम साइड में एक और पत्ती लगाएंगे, तो इसमें आपको होल पहले से करा के रखने हैं
बराबर दूरी नाप कर बीचों बीच में आप करा सकते हैं। ये देखिए इस पत्ती में जो कब्जे लगे हुए थे उसको भी हमने अच्छे से टाइट कर लिया है। यहाँ पर हमारी विंडो बनेगी, तो देखते रहिए वीडियो में और आप आसानी से बना सकते। ये देखिए किसान भाई, यहाँ पर ये हमने इसमें ये कब्जे लगवा दिए हैं, बिल्डिंग करा दिए हैं। यहाँ पर हम इतनी खिड़की बना सकते हैं, जो ट्रे होती हैं प्रो ट्रे उनको भी अंदर ले आ सकते हैं। और ये देखिए ज़मीन से इतना उठा भी रहेगा, तो अगर पानी की दिक्कत आएगी तो वो भी ज़मीन से नीचे से पानी निकल जाएगा। और इसको हम चाहें और ऊंचा करने के लिए तो इसके जो पाए हैं उनके नीचे हम एक कुछ भी ऊंचा रख सकते हैं थोड़ा सा, तो ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पे हमारी खिड़की लगेगी। तो भैया ये देखिए हमने इसको पूरा असेंबल कर लिया है, और यहाँ पर हमने एक बांस रखा हुआ है, थोड़ा मोटा बांस रखा है, ताकि इसमें दोनों सिरे जो हैं पॉलीथीन के वो ढाल बन जाए, और यहाँ से अगर बारिश भी हो तो आसानी से पानी निकल जाए। और ये देखिए हमने एक तार लिया है, तार की सहायता से इसको बीच बीच में बांध दिया है टाइट करके। अब हमारा पॉली हाउस लगभग तैयार हो चुका है। यहाँ जो हमने कब्जे लगवाए थे उसमें देखिए इस तरीके से हम पेचकस से छेद करके और यहाँ पर तार की सहायता से हम इसको बांध देंगे। एक विंडो बनाने के लिए हमने एक सीट ली है जो हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाती है आसानी से, और ये पॉली हाउस बनाने में भी यूज़ की जाती है, तो इसको ले लेना है। ज़्यादा महंगी नहीं आती है, ये 20 से 25 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से मिल जाती है। तो यहाँ पर हमको बहुत ही कम लगी है ये देखिए इस तरीके से इसको तार को यहाँ पर डालकर और अंदर से कस देंगे। कसने से क्या होगा कि हमारा जो विंडो है वो बिल्कुल दरवाजे की तरह खुलेगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हम चाहें खोल सकते हैं और जब चाहें तो बंद कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये देखिए हमने कस लिया है अंदर से दोनों कब्जों में, और यहाँ पर जो हमने नट बोल्ट लगाए थे उसमें देखिए इस तरीके से छेद करके बना दिया है, ताकि इस गेट को आसानी से बंद किया जा सके और खोला जा सके। तो ये देखिए कुछ स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से बनके तैयार हो गया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। ये देखिए बहुत मजबूत बना है, आप चाहें तो किनारे पर बैठ भी सकते हैं, इतना मजबूत है ये, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। ये जो प्लास्टिक की सीट है ये देखिए ऊपर थोड़ा सा ओवर है, तो इसको आप चाहें तो काट सकते हैं, ना काटना चाहें ना काटिए। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से जब खोलेंगे तो इसको आसानी से आप खोल सकते हैं, पूरा गेट आपका खुल जाएगा। दोनों जो नट बोल्ट थे उसका जो सिरा निकला हुआ था उसमें हमने फंसाने का जुगाड़ बना दिया है, तो इस तरीके से इसको फंसा सकते हैं, तो ये निकलेगा नहीं और पूरी तरीके से बराबर बंद हो जाता है। तो अब देखिए अब इसको हम बंद कर देते हैं, और ये देखिए जब भी आपको ग्रीन नेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तो जाड़ा चल रहा है, जाड़े में सब्जियाँ आप उगा लीजिए, उसके बाद जब बरसात का मौसम आ जाता है उस समय नर्सरी उगाना बहुत मुश्किल पड़ता है, तो उस समय आप क्या करें, चाहें तो आप पॉलीथीन सीट ऊपर रखिए और साइड से नीचे से आप हटा दीजिए पॉलीथीन को हवा आने जाने के लिए, और ये ऊपर से आप ग्रीन नेट ढक सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से नेट आता है, इसको आप ढक सकते हैं तो आपका ग्रीन नेट बन जाएगा। बहुत अच्छा काम करता है ये, हमने पहले छोटे लकड़ी का एक छोटा सा बनाया था जिसमें पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती थी, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।